देखिए कितनी अच्छी चाय बनी है, बहुत टेस्टी लग रही है देखने में भी और खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं चाप स्टिक से। ये 250 ग्राम चाप लाई थी मैं, इसको छोटे छोटे पीस में काटना है। ये पीस में मैंने काट लिए हैं, अब इसको रखते हैं अलग, बनाते हैं एक पेस्ट। ठीक है, चाप के जो पीस हैं इसको मैरिनेट करना है, तो इसके लिए पेस्ट बनाना है हमें। और पेस्ट के लिए लिया है मैंने ये गार्लिक है, मिर्ची है और हरा धनिया है। अभी डाल रही हूँ मैं दही, इसको हमें पीसना है। देखिए मलाई चाय बनाने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो भूल गई थी, ये काजू। काजू इसमें मेन चीज़ होती है, इससे फ्लेवर आता है। देखिए पेस्ट हमारा बन गया है, बिल्कुल बारीक बना है। डालना है इस पीस पे, सारे डाल देते हैं। देखिए अब डालनी है इसमें दही। दही हमारे छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ग्रेवी वाली दही बनानी है, ये चाप बनानी है तो कोई ज़रूरत नहीं है छानने की। चम्मच डाल रही हूँ मैं, ये मलाई है घर की मेरी। 2 टेबल स्पून मैंने धनिया डाला है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून है ये चाट मसाला, 1 टीस्पून है ये ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए सारे मसाले और दही वगैरह हमने मिला दिए हैं इसमें, तो हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि जो सारे मसाले हैं, जो मसालों का फ्लेवर है वो चाप में मिक्स हो जाए। तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ। देखिए 10-12 मिनट हो गए हैं तो मैंने फ्रिज से निकाल लिए, अब करते हैं इसको फ्राई। चाप फ्राई करने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ इसमें, रिफाइंड है, रिफाइनिंग में ही बनानी चाहिए क्योंकि तेल में खुशबू आ जाती है। मुझे सेल्फ फ्राई करनी है, डीप फ्राई नहीं करनी है ये, तो थोड़ा ही तेल डाला है मैंने। देखिए सारे पीस इसमें से निकाल निकाल कर इसमें रखने हैं हमें फ्राई होने के लिए। देखिए गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है क्योंकि हाई पी ये थोड़ी सी फ्राई होती है, और हम लो फ्लेम करेंगे तो फ्राई नहीं हो पाएगी, कच्ची रह जाएगी। ये अलट पलट के सेकनी है अच्छे से, दोनों तरफ से कच्ची ना रह जाए। देखिए जितनी देर में हमारी ये फ्राई हो रही है चाप, तो हम दूसरी कढ़ाई रख के और थोड़ा सा डालेंगे ऑयल इसमें और बनाते हैं इसकी ग्रेवी। ऑयल हमारा हो चुका है, तो मैंने थोड़ी सी 1-2 लहसुन कलियाँ ये बारीक बारीक काट के डाली है, 1 मैंने प्याज डाली है बारीक बारीक काट के। प्याज थोड़ी सी हल्की ब्राउन हो गई है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है हमें, तो 1 मैंने शिमला मिर्च डाल दी है इसमें छोटे छोटे काट के। 1 मिनट इसको ही भूनेंगे। अब गैस को कर देना है बंद। देखिए गैस बंद करके डालना है हमें जो ये हमारा मैरिनेट करके जो मसाला बचा हुआ था चाप का, जो दही वगैरह थी सारे मसाले, इसको मिलाने हैं, चलाते रहना है। गैस हमने इसलिए बंद करी है ताकि जो इसमें दही है वो फटे ना। अब थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पर करके इसको पकाएंगे, इसको 2 कप पानी भी डाल देंगे हम, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हमारी पतली हो जाए। ग्रेवी वाली बनानी तो ग्रेवी होनी ज़रूरी है। थोड़ा सा कलर अच्छा करने के लिए मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, बहुत हल्की सी डाली क्योंकि हरी मिर्च डाल चुके हैं हम, ज़्यादा नहीं डालनी है। अब इसको चलाते हुए पकाएंगे हम। देखिए चाप भी हमारी फ्राई होगी अच्छे से, बहुत बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही है, अच्छे से पकी हुई है। तो उधर हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई, तो चलिए ग्रेवी में डालते हैं चाप। देखिए सोया चाप हमने डाल दी है, तो हम बिल्कुल लो फ्लेम करके गैस का और तभी इसको पकाएंगे, ताकि ये जो ग्रेवी है हमारी ज़्यादा थिक ना हो जाए, या हम जब तक पकाएंगे जब तक ये तेल अलग थोड़ा सा ऊपर ना आ जाए। तो चलिए बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है गैस का। देखिए 10 मिनट हो गए हमारे चाप को पकते पकते, और जो सारा ऑयल है वो चारों तरफ आ गया है ऊपर इस तरह से देखिए, तो इसका मतलब ये है कि चाप बनकर हमारी रेडी हो गई है, ग्रेवी भी थिक है। तो गैस को करते हैं हम बंद। देखिए तो सोया मलाई चाप हमने निकाल लिया सर्विंग बोल में, अब इसमें हम करेंगे थोड़ी सी गार्निश धनिया से, ताकि देखने में भी अच्छी लगे। देखिए कितनी अच्छी चाप बनी है, बहुत टेस्टी लग रही है देखने में भी और खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा इसमें। तो देखिए चलते करते हैं सर्व। आप इसे चाहे लच्छा पराठे से खाएं, चाहे फुलकों से खाएं, चाहे किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है ये और बच्चों को तो आजकल पसंदीदा डिश है। रखना है इसमें सैलेड, देखिए बच्चों को तो आजकल बहुत पसंद है, तो लच्छे पराठे से तो मज़ा ही हो जाता है इसका। तो चलिए बनाइए खाइए, कितनी टेस्टी लग रही है।
देखिए सोया मलाई चाप की अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है।